हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 35 शेड्यूल टू बी डन ऑन 24 सितंबर 2020। यस, ऑल ऑफ यू हैव टू राइट योर नेम, योर क्लास टीचर नेम, रोल नंबर एंड स्टूडेंट आईडी। टुडेज वर्कशीट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट। सी, दीज आर द डिटेल ऑफ द चैप्टर। Earlier we have also done worksheet related to that chapter, and now we are moving forward in this chapter. This one is the recap. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. कितना टाइम था बेटा, 3 centuries ऑफ वाइट रूल। देखिए, 3 century यानी कि 300, लगभग मोर देन 3 centuries, 300 साल से अधिक वहाँ पर सिर्फ गोरों का राज था, और पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने मिस्टर नेल्सन मंडेला। अब देखिए, मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC जो है उसका फुल फॉर्म क्या है उसका, देखिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी won 252 seats of the 400 seats in the first democratic elections. कब था ये first democratic जो elections conduct किए गए उसमें जो उनकी party थी उसने 252 seats पे जीता। The inauguration ceremony took place, तो हमने पढ़ा था inauguration ceremony कहाँ पर हुई, Union Building Amphitheater in Pretoria। तो बेटा वहाँ पे एम्फी थिएटर क्या होता है, एम्फी थिएटर होता है जो जिसकी छत नहीं होती, जैसे आपके स्टेडियम्स होते हैं ओपन है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो सब लोगों के बैठने के लिए, और छत नहीं है उसकी। इस तरह से आप एक इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हमारे स्टेडियम्स होते हैं। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और कितने लोग वहाँ पर पहुँचे, मोर देन 140 कंट्रीज से वहाँ पर बड़े बड़े लोग वहाँ पर पहुँचे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो यहाँ क्या कहा गया, कभी भी नहीं, कभी ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये जो हमारा ब्यूटिफुल, ये जो सुंदर हमारी ज़मीन है, इस पर किसी का भी अत्याचार, एक द्वारा दूसरे पर कोई अत्याचार कभी नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। उन्होंने जब अपनी स्पीच दी, जो वो सबसे बात कर रहे थे जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा कहा। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। ये जो सेलिब्रेशन टाइम था इसमें सब लोग एक साथ थे। प्रेटोरिया पहले ऐसा एक प्लेस था बेटा, वहाँ पर ये सेरेमनी इसलिए रखी गई क्योंकि वहाँ पहले ऐसा वाइट्स के लिए होता था, उनकी सारी वहाँ पे जो मीटिंग्स वहाँ पे सेरेमनीज की जाती थी, तो आज ये उनकी जीत थी। तो ब्लैक पीपल वाइट एंड कलर्ड यानी कि सभी स्किन कलर्ड, सभी तरह के लोग, कोई उनके स्किन के बेस पर कोई उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था, हर तरह के लोग वहाँ पर मौजूद थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मैन वुमेन चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद लव। तो यहाँ पे क्या था बेटा, मोर देन 1 lakh, 1 lakh से ज़्यादा वहाँ पर मैन वुमेन और चिल्ड्रन, बच्चे, आदमी औरत और बच्चे, ये सब मिला के 1 lakh से ऊपर थे, जो सब ने एक साथ गाने गाए और सब ने इंजॉय किया, सब ने डांस किया, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इतने लंबे समय की, जो उनकी बेटा कैद किसी को भी पसंद नहीं होती है, और इतने लंबे समय तक उनकी जनरेशन्स ने, कितनी जनरेशन्स ने उसके लिए स्ट्रगल किया और तब उन्होंने ये अचीव किया है। तो वो सेलिब्रेशन का जो डे था, देखिए आज तक कोई नहीं भुला सकता। अब देखिए, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेलम्ड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री। जो इनोग्रेशन का डे है, उन्होंने कहा कि मैं हिस्ट्री के उस सीन में अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड क्या होता है बेटा, 10 ईयर्स के जो टेन्योर है उसको डिकेड बोलते हैं, जिसको हिंदी में दशक बोला जाता है। फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी यानी कि 1900 जब स्टार्ट हुआ था, उसके फर्स्ट 10 ईयर्स
अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एक वॉर हुई वहाँ पे बिफोर माय ओन बर्थ, मतलब नेल्सन मंडेला जी के बर्थ से पहले एक ऐसी बुरी वहाँ पे वॉर हुई, ऐसा युद्ध हुआ जहाँ पे वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो बेटा जो श्वेत लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों ने पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को तो पैच्ड अप कर लिया, अपने रिपेयर कर लिया रिलेशनशिप्स, लेकिन उन्होंने वो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया, क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। तो क्या हुआ, उन्होंने उनके अगेंस्ट डोमिनेट होने के लिए एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि डार्क स्किन पीपल को उन्होंने किस तरह से ऑप्रेस करने के लिए शुरू ऑप्रेस करना शुरू किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट या क्या हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी, बेटा सबसे बुरा सबसे अमानवीय समाज की जो उन्होंने रचना कर दी इस वजह से। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब क्या है लास्ट के बचे हुए हैं 10 ईयर्स 20th सेंचुरी के, तब एंड माई ओन एट्थ डिकेड मतलब कि वो इस टाइम कितनी एज के हैं, 8 और डिकेड बेटा 10 ईयर्स, तो 80 ईयर्स अराउंड है वो इस टाइम पे। एज अ मैन द सिस्टम हैड बीन ओवर टर्न फॉर एवर, ओवर टर्न मतलब अब ख़त्म हो गया, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, अब वो सिस्टम अब फिर हमेशा के लिए आज ख़त्म हो गया, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकोगनाइज द राइट्स, और उसको अब बदल दिया गया है, किससे आज बदल दिया गया है, उस सिस्टम से जो रिकोगनाइज करता है, देखिए अब वो सिस्टम आ गया जो रिकोगनाइज करता है, रिप्लेस बाय द सिस्टम दैट रिकोगनाइज राइट्स फ्रीडम ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, अब ऐसा यहाँ पे सिस्टम रहेगा जो सबके राइट्स सबके जो अधिकार हैं सबकी जो आज़ादी है सब लोगों के रिगार्डलेस ऑफ उनके स्किन के कलर के बेस पे, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा उनके बीच में। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु सफरिंग करेज कैन नेवर बी काउंटेड, तो बेटा वो ये कह रहे हैं कि आज जो ये हम सबको मिल रहा है, ये जो दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इमेजिनेबल होता है बेटा, उसकी कल्पना की जा सकती है, ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कितने थाउजेंड्स पीपल के सेक्रीफाइसेस उनमें बलिदान के कारण, उनके इतने प्रॉब्लम्स को सहने के कारण, उनके करेज के कारण आज हम ये दिन देख पाए हैं, और ये इसे काउंट भी नहीं किया जा सकता और इसे कभी वापस लौटाया भी नहीं जा सकता। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्या होता है बेटा, रंग भेद नीति को बोलते हैं अपार्टहेड, क्रिएटेड अ डीप लास्टिंग, अब उसने क्या कर दिया, डीप लास्टिंग वोंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, इसने हमारी कंट्री हमारे देश के लोगों के बीच में एक ऐसा घाव, इतना गहरा घाव क्रिएट कर दिया है जिसका असर, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोग बहुत से साल इसको स्पेंड करेंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर हमारी जनरेशन हमारी पीढ़ियां ना भी करें लेकिन हमें बहुत साल लगेंगे, किस काम के लिए, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो हमें इतना गहरा प्रोफाउंड क्या बेटा, डेप्थ, बहुत डीप, बहुत ज़्यादा डीप हर्ट, यानी कि जो नुकसान हुआ है, जो हमें फील, ये हमारे अंदर जो इसके दुख जो हमारे अंदर तक इसका भरा हुआ है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑप्रेशन, वो जो अत्याचार है, जो कई दशकों का अत्याचार, वो किसी का इतना बुरी तरह से उन्हें तंग करना जो सहा भी ना जाए, ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट दैट वॉज That is produced by the Ole Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthilius and Yusuf Dados and Dram Fishers and Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage. क्योंकि इतनी बुरी तरह से, ये भी ज़रूरी था जो उन्होंने इतने बुरे तरह से ऑप्रेस किया हमें, उसी के कारण ये लोग हमें मिले, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, ये सामने आए, ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसिलस, चीफ लुथिलस, यूसुफ
दाडोज, ये सब उनके नाम हैं जो उनके मेन उनके साथ थे जिन्होंने फ्रीडम के लिए फाइट किया, ऑफ आर टाइम मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनके पास अलग ही ऑर्डिनरी जितना साहस सबके पास होता है उससे कहीं ज़्यादा उनका साहस था, बुद्धि थी, विजडम और जेनरोसिटी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं बड़े दिल वाले, सबके लिए प्यार, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, उनके जैसा दोबारा कोई हम नहीं ले पाएंगे, कोई हमें और दोबारा ऐसा नहीं मिलेगा, परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद इस तरह के लोगों को पाने के लिए, इस तरह की चीज़ों को अचीव करने के लिए इतना ज़्यादा गहरा, इतना ज़्यादा अत्याचार भी ज़रूरी था टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, इन इस तरह के करेक्टर्स को बनाने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, मेरी कंट्री रिच है, अफ्रीका जो है वो रिच है मिनरल्स में, जेम्स में, डायमंड के लिए, दैट लाइज बिनीथ दिट सॉयल, ये कहाँ पर हैं सारे, सारे बेटा माइंस में होते हैं तो कहाँ है, मिट्टी के नीचे हैं ये सारे मिनरल्स भी, जेम्स भी, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, लेकिन इसका जो असली संपत्ति है, जो हमारे देश की असली संपत्ति है, वो यहाँ के लोग हैं जो उस डायमंड से भी ज़्यादा ट्रू, सच्चे हैं, प्योर हैं, शुद्ध हैं। अब देखिए, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, उन्होंने उन लोगों को देखा जो इन सब लोगों ने कैसे उस टॉर्चर को सहा, स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वो उनके अंदर इतनी ज़्यादा सहन करने की शक्ति थी, उनके अंदर इतनी ताकत थी, उनके अंदर रेजिलेंस, रेजिलेंस पे आपके स्टार्टिंग में बेटा एक वर्कशीट भी आई है, रेजिलेंस होता है आपके अंदर एबिलिटी टू कोप अप विद एनी सिचुएशन, फेस करना उस सिचुएशन को और वापस उसमें फिर कोप अप कर लेना, इसको रेजिलेंस कहा जाता है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा कि जो करेज था वो एक्चुअली ये नहीं था कि एब्सेंस ऑफ फियर है कि वो डरते नहीं थे, नो, यहाँ पर क्या है, आई लर्नड दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फीवर फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि उनको डर नहीं लगता था, बट वो विक्ट्री है कि अपने डर पर कैसे किसी ने जीत पाई। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर, ब्रेव मैन कौन है एक्चुअली, ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता, वो है जो अपने डर पर ही जीत हासिल कर ले। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, तो यहाँ पर बेटा क्या कहा गया है कि कोई भी ऐसे नहीं पैदा हुआ, आप किसी बच्चे को देखते हैं कि उसको पता है कौन है, किस रिलीजन से है, कौन काला है, कौन गोरा है, बच्चा जो मुस्कुराता है, जो मुस्कुराकर उससे बात करता है, उससे खेलता है, वो उसके साथ खेलने लग जाता है, तो वही कहा गया है कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये सोच के इस दुनिया में आया हो या उसको पहले से पता हो कि हमें स्किन का कलर से कलर या इस बैकग्राउंड के व्यक्ति से या इस धर्म के व्यक्ति से इस तरह से बिहेव करना, ऐसे किसी ने नहीं सिखाया। और पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और लोगों को तो यहाँ पर आके उन्होंने सीखा ना, उनको सीखना चाहिए, लेकिन अगर वो नफ़रत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें कभी किसी से नफ़रत नहीं करनी, और यदि आप नफ़रत करना सीख रहे हो तो आप प्यार करना भी, दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे नेचर में, हमारी जो बेसिक, हमारी जो अंदर क्वालिटीज़ हैं वो हर पर्सन में ये है कि हमें प्यार, हमारे ह्यूमन हार्ट में प्यार की जगह ज़्यादा है, हम सब लोग प्यार कहते हैं ना, हम प्यार के भूखे हैं, अपोजिट उसका हेट, नफ़रत किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और बेटा नफ़रत का जो रिज़ल्ट है वो नफ़रत ही है, और कोई भी हमने पहले भी पढ़ा था, आगे इसमें पढ़ेंगे, ऑपरेसर इज़ नॉट फ्री, जो हेट करता है एक्चुअली वो भी फ्री नहीं है,
वो उस हेट की वजह से खुद उस प्रिजन में है, खुद वो अगर किसी से नफ़रत कर रहा है तो सिर्फ उसकी थॉट प्रोसेस उस नफ़रत में, या जिसको वो जिस पर वो अत्याचार कर रहा है तो वो खुद भी फ्री नहीं रह सकता जब तक कि वो अपने बिहेवियर को नहीं बदलेगा। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। जो मनुष्य की अच्छाई है वो एक लौ की तरह, एक ज्योति की तरह है, जिसे क्योंकि छोटे साइज से छुपा तो सकते हो लेकिन कभी भी उसे बुझा नहीं सकते। नाउ इट इज़ द मीनिंग ऑफ द कंटेंट गिवन। नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव कंटेंट, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोअर वॉर। तो बेटा ये देखिए, यहाँ पर आपकी एंग्लो, ये लिखा है आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर। यहाँ देखिए, वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। यहाँ तक आएगा आपका आंसर नंबर वन। अब देखिए उसके बाद है, ऑन विच बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। तो अब मंडेला जी की जो नेक्स्ट गवर्नमेंट थी उसने क्या डिसाइड किया हुआ था, उन्होंने रिकॉग्नाइज द फीट, और कैसा स्ट्रक्चर था उनका, उन्होंने रिप्लेस किया पिछले सिस्टम को और अब रिकॉग्नाइज किया राइट्स को, फ्रीडम ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ स्किन ऑफ रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। तो बेटा ये यहाँ पे अभी मैं आपको सिर्फ इसमें दिखा रही हूँ, उसके बाद आंसर्स आपको करके नीचे दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंस। तो ये होता है रिपेयर द रिलेशनशिप और टू एक्सेप्ट द, देखिए टू डील विद द प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट और रिपेयर अ रिलेशनशिप, ये है आपका टू पैच अप द डिफरेंसेस। अब देखिए ऊपर जो दो क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको ऊपर से ढूंढ के आपको दिखाए हैं, आपके पैसेज में ही सारे आंसर्स गिवन होते हैं बेटा। आफ्टर एंग्लो बोअर वॉर द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकेंड क्वेश्चन है, मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकोगनाइज द राइट्स फ्रीडम्स ऑफ ऑल। देखिए ऐसा सिस्टम बनाया गया जिस जो सबको राइट देता था, फ्रीडम देता था, रिगार्डलेस द कलर ऑफ देयर स्किन। अब ये तो स्किन कलर का उसमें कोई भी डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था, टू पैच अप द डिफरेंसेस मींस टू डील विद द प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट रिपेयर अ रिलेशनशिप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्रिएटेड। अब देखिए वो क्रिएट, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्रिएट, डिड से बेटा ये क्या हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। तो देखिए द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वंड इन कंट्री एंड इट्स पीपल। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में बेटा आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू मंडेला वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला जी क्या थी ग्रेटेस्ट वेल्थ, उनका सबसे बड़ा जो संपत्ति है सबसे वो क्या है, तो वहाँ के पीपल, उन्होंने क्या कहा था, लोग जो हैं वो सबसे बड़ा उनका धन है, उनकी संपत्ति है। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिस कंट्री इज इट्स पीपल। वो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं वो ही उनकी सबसे बड़ी वेल्थ है। उसके बाद है, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव, उन्होंने क्या कहा ब्रेव कौन है, बहादुर कौन है। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला यहाँ पे क्या है, नेल्सन मंडेला जी ने कहा, मंडेला डिफाइंस दैट द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। ब्रेव मैन कौन है, ऐसा नहीं है कि वो डरता नहीं है, जब वो डरता है लेकिन उसने अपने डर पर ही जीत हासिल किया सबसे पहले, इसीलिए वह ब्रेव कहलाता है जिसने अपने ही डर पर जीत हासिल की है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेवन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। सबमर्ज्ड बेटा ओवरटर्न तो होता है, उसे ख़त्म कर देना। अब इसका क्या है, ओवरवेल्म्ड, सबमर्ज्ड का है आपके पास ओवर
whelmed. इसके बाद है विक्ट्री. विक्ट्री का देखिए एक्सटिंग्विश तो होता है बुझा देना, और विक्ट्री होता है ट्रायम्फ. देन है डीप एंड स्ट्रॉन्ग. तो डीप एंड स्ट्रॉन्ग क्या है? प्रोफाउंड. लार्ज हार्टेड, इसको बोलते हैं जेनरोसिटी. द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप. एबिलिटी है किसी तरह के मुश्किल हालातों से डील करना एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, और उससे रिकवर भी कर जाना. पहले तो एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड रेजिलेंस. नाउ टास्क टू इज फॉर द स्टूडेंट्स कोलेबोरेशन एक्टिविटी, यानी कि आपको सबको मिलके एक साथ करनी है दोस्तों को. मैंने आपको इसका एक आइडिया दे दिया, उसके बाद आप अपने आप करेंगे. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज एंड रियल लाइफ हीरोज. कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो? हाउ? तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ. तो रील क्या है? आप फिल्म इंडस्ट्रीज के देखते हैं सारे हीरोज, उनकी जो लाइफ है वो रियल लाइफ है, यानी कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए इमेजिनेशन को उन्होंने इस तरह से शो किया है कि वो इमेजिनेशन, इमेजिनरी हीरोइक डीज हैं, इल्यूजन्स है, भ्रम है उसमें. एक्चुअली वो खुद वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ करेक्टर प्ले करते हैं. लेकिन जो रियल लाइफ, जो सच में लाइफ में हीरोज हैं, एक्चुअल और रियल हीरोइक डीड्स, उनके एक्चुअल और रियल सच में जो हीरोइक डीड्स उन्होंने किया है वो होती हैं विद लॉट्स ऑफ सेक्रीफाइसेस. सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा नहीं होता. रियल लाइफ हीरो को बहुत कुछ सहना और स्ट्रगल करना पड़ता है. सेल्फलेस सर्विस, उनकी सेल्फलेस सर्विस होती है, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते. और उसके बाद है बेटा लव फॉर कंट्री. वो ज़रूर वो व्यक्ति क्या होगा, वो लव फॉर कंट्री होगा, वो रियल लाइफ अगर हीरो है तो. फिर है उन्होंने क्या फॉलो किया, लव फॉर नेशन और कंट्री. आप वर्ड कोई भी यूज़ कर सकते हो. और उसके बाद है फॉलोड पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. जैसे आपका गांधी जी, हमें पता है कि गांधी जी ने भी फॉलो किया था पाथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, इसी तरह से इन्होंने भी इसका पाथ फॉलो किया और अपने कंट्री के लिए फ्रीडम अचीव की. तो इसको क्या कह सकते हैं, दस. यहाँ बेटा ये जो लिखा हुआ है दस, दस वी कैन कॉल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो बिकॉज ही हैड शोन ऑल द क्वालिटीज ऑफ रियल हीरो. पहले हमने यहाँ क्वालिटीज लिख दी, दोनों का डिफ्रेंशिएट कर दिया. उसके बाद आप यहाँ कुछ चाहें तो दो तीन लाइन, दो सेंटेंस और ऐड कर सकते हैं. यू कैन यूज़ योर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़. और बेटा देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर हम जो कर रहे थे, हमने एक बार अपना सारा ये रिवाइज कर लिया है. आपको आई होप वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है. आप बुक से ज़रूर एक बार बेटा चैप्टर को पढ़िए, बुक से चैप्टर पढ़िए. आपके वोकैबुलरी क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू लेवल पे जो कॉम्प्रिहेंशन दिया जा रहा है उसकी प्रैक्टिस करिए, साथ साथ अपने चैप्टर को भी रीड करिए. इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके टेक्स्ट के बीच में क्वेश्चन है, टेक्स्ट ख़त्म होने के बाद, आपके लेसन फिनिश होने के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें करिए, ताकि साइड बाई साइड आपका जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर. And now keep learning, enjoy your learning, stay healthy, stay blessed. Thank you.